नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे मेरे प्यारे भक्तों। देखिए, अभी नवरात्रि में सभी भक्तजन माँ भगवती का पूजा पाठ कर रहे हैं और अन्य सभी देवी देवताओं के गुणगान कर रहे हैं। और ईश्वर की भक्ति करना, उनकी पूजा पाठ करना, ये हमारा और आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि ये संसार मिथ्या है और ईश्वर सत्य है। संसार में जब कोई भी प्राणी कठिन मुसीबत में फंस जाता है, वो सिर्फ उस वक्त उसी ईश्वर को याद करता है कि हे परम पिता परमात्मा, ये हमें कौन सी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। मित्रों, संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके मुंह से कभी ना कभी ईश्वर का नाम न निकलता हो। इसलिए हमें परम पिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है, इंसान लाख कोशिश कर ले फिर भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें हमेशा परम पिता परमात्मा की शरण में रहना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए। मित्रों, अभी नवरात्रि चल रही है और इस नवरात्रि में हर इंसान अपने मनगढ़ंत पूजा पाठ करने को तैयार है। कोई दीपक जला रहा है, कोई अगरबत्ती लगा रहा है, कोई माँ के मंदिर में जाके जल चढ़ा रहा है। यानी जिसको जैसी सूझबूझ है उसी तरीके से अपने मनोभावना के आधार पर वो पूजा पाठ कर रहा है। लेकिन जब तक कोई भी पूजा पाठ सही मायने में नहीं किया जाएगा, तब तक आपको उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अगर आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आपकी अनेक तरह की समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याओं से नहीं निपट पा रहे हैं, तो आज मैं नवरात्रि का एक सर्व कार्य सिद्धि टोटका बताने जा रहा हूं, जिसे करके आप अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दीपक तो आप बहुत जलाते होंगे, कभी माँ के मंदिर में तो कभी घर के मंदिर में। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से इस नवरात्रि में एक दीपक जला देंगे तो आप अपनी सभी समस्याओं से तत्काल छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, ये बहुत ही चमत्कारी दीपक आपके जीवन में आनंद ही आनंद कर देगा। इस विधि को करने के लिए आप थोड़ा ध्यान से समझते रहिए। चाहे आप बजरंग बली की भक्ति करते हो, या माँ की भक्ति करते हो, या किसी अन्य देवी देवता की भक्ति करते हो, लेकिन आपको ये दीपक जलाने की विधि सही तरीके से आनी चाहिए, तो आपकी हर समस्या का समाधान इस नवरात्रि से पहले ही पहले हो जाएगा। मित्रों, आपको नवरात्रि में जिस दिन समय मिल जाए उसी दिन आप इस टोटका को कर दीजिए। अगर आपको दो चार दिन मिल रहे हैं तो लगातार आप तीन चार दिन इस विधि को कर दीजिए, जिससे कि इस टोटके का आपको बहुत बड़ा चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। मित्रों, हमारे जितने भी भक्त हनुमान जी के भक्त हैं, वो एक पीपल का पत्ता तोड़ करके लेकर के आए और उसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं और एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें चमेली का तेल भरें और मदार के कॉटन की एक बाती बना करके उसको जलाएं। यह विधि आप शाम को सूरज ढलने के बाद में करें और नवरात्रि में किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। अगर नवरात्रि में सिर्फ एक दिन शेष बचा है तब भी आप इस विधि को कर सकते हैं। थोड़ा सा आप सिंदूर लें और सिंदूर को गीला करके और पीपल के पत्ते पर ओम राम दूताए नमः ये मंत्र पीपल के पत्ते पर सिंदूर से लिखें और जहां आपके नियर बाई में हनुमान जी का मंदिर है और वहां इस पत्ते को हनुमान जी के चरणों में रख के और जो आपने चमेली का तेल का दीपक जलाया है, इस तरीके से आप हनुमान जी के चरणों में रख करके उनसे प्रार्थना करें और ओम राम दूताए नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें और वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मित्रों, अगर आप नवरात्रि में बचे दो तीन दिन शेष में यह क्रिया करते हैं तो हनुमान जी की आपको परम आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और आपकी हर समस्या का समाधान तत्काल होगा। मित्रों, अगर आप माँ चामुंडा या माँ भगवती का पूजा पाठ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो इसी विधि के अनुसार आप माँ भगवती के मंदिर में जाइए
और सिंदूर से जो आदि शक्ति का मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र को आप सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर लिखिए और लिख करके इसी तरीके से दीपक जला करके और आप माँ भगवती के चरणों में अर्पित करें तो आपके जितने भी संकट हैं वो क्षण मात्र में दूर होने लगेंगे। चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, धन प्राप्ति की हो, इस क्रिया को करने के बाद में आपके चारों तरफ से धन के स्रोत खुल जाएंगे, चारों तरफ के रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर में धन का आगमन हो जाएगा, घर में सुख शांति रहेगी और आपके बिगड़े हुए कार्य तत्काल बनने लगेंगे। वहां बैठ करके आप दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर इस विधि से ये दीपक जलाते हैं तो समझ लो मित्रों, आपके सारे जीवन के अंधकार मिट जाएंगे। लेकिन ये नवरात्रि का समय एक विशेष समय होता है, इस समय पर अगर आप ये क्रिया नहीं करते हैं तो आपकी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेगी, इसलिए इस मौका को चूक न जाएं और यह विधि अवश्य करें जिससे कि आपके सारे कष्टों का निवारण हो सके। मित्रों, इस विधि को करके आपकी समस्त परेशानियों का अंत तत्काल हो जाएगा। चाहे आपकी नौकरी परीक्षा की समस्या हो, धन प्राप्ति की समस्या हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा की समस्या हो, यानी किसी भी प्रकार की समस्या हो, तत्काल ही उससे निजात पा जाएंगे। तो मित्रों, इस प्रयोग को आप करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसे तन मन धन से करें और इसका पूरा पूरा लाभ लें। तो आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।